हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथेरकर, आप सभी की साइंस टीचर। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे 10 मिनट्स में आईयूपीएससी कैसे किया जाता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे हमारे यहीं अटक जाते हैं और इन्हें अध्याय नंबर 4 कार्बन उसका यौगिक बहुत कठिन लगने लगता है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगर आप लोगों ने मेरा कार्बन और उसके यौगिक का वन शॉट देखा होगा तो मैंने प्रॉमिस किया था कि आईयूपीएससी में आप लोगों को अलग से कराऊंगी। वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और आपको समझने में उसको टाइम लगेगा। सो दैट्स वाई बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बारीकी से वन बाय वन आईयूपीएससी ओनली इन 10 मिनट्स। लिटरली देखना, आप लोग सीख जाओगे। चलो शुरुआत करते हैं विद टॉपिक। तो आईयूपीएससी का आपको पूरा नाम तो पता ही होगा। आईयू का मतलब होता है आपके पास में आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो ये एक प्रकार की ना संस्था कहलाती है। ये एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो कि क्या करती है, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने की प्रथा बनाती है। मतलब इसने रूल्स दे दी, जैसे कि अगर मेरा नाम है तो मेरे एक जो बुजुर्ग होंगे तो मेरे बुजुर्ग ने मेरा नाम सुभद्रा रखा। और हमारे यहाँ की एक रीत है कि मेरे नाम के बाद में सरनेम लगाया जाएगा माथनकर। तो दैट इज द काइंड ऑफ रूल कि हमारे घर के नियम सेट है। हमारे घर में एक नियम सेट है कि लड़कियां कभी लड़कों के पाँव नहीं छूती या फिर किसी के भी पैर नहीं छूती, क्योंकि लड़कियां सर्वोपरि मानी जाती है। तो हमारे यहाँ कभी भी कदम नहीं छुए जाते लड़कियों के द्वारा। तो ये रूल्स है, किसने डिसाइड किया, हमारे पूर्वजों ने। तो वैसे ही आईयूपीएससी एक संस्था है जिसने क्या किया, नामकरण करने की प्रक्रिया चालू करी। तो नामकरण के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। उसके पहले कुछ छोटी सी चीजें मैं आपको हिंट वाइज या याद करने के लिए बोलूंगी, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द रूल नंबर फर्स्ट आईयूपीएससी में क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहला है, सर्वप्रथम सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन की सबसे अधिक संख्या होती है। यस, सबसे पहला रूल हमारे पास में यही है कि हमें क्या करना है, कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या है, उसको चूज करना है। एंड सबसे बड़ी श्रृंखला में हम संख्याकरण उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से प्रकार्यात्मक समूह सबसे पहले आता है। ये दो रूल है। एंड तीसरा रूल पूर्व आपके पास में ये है, उसका मुख्य श्रृंखला का नामकरण। मैं समझाती हूँ मैंने क्या बोल दिया। मुझे पता है एकदम से दिमाग में कुछ नहीं घुसा होगा, बस आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे बड़ी संख्या कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला हमको चयन करनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एग्जांपल से। आपके पास में दो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल ये है। आप लोग ध्यान से देखो। तो आपको सबसे बड़ी श्रृंखला चूज करनी है। तो पहला रूल है हमारे पास में, सबसे ज्यादा कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है। तो यहां पर अगर आप लोग देखो, सबसे अधिक कार्बन कहां पर है इस श्रृंखला में, तो हमने चूज कर ली, इस श्रृंखला में हमने चूज कर ली। तो हमारी मुख्य श्रृंखला क्या होगी, हमारी मुख्य श्रृंखला होगी ये 5 कार्बन वाली सबसे बड़ी श्रृंखला। तो ये 5 कार्बन वाली सबसे बड़ी श्रृंखला है। तो अब प्रॉब्लम होता कहां है बताती हूँ आपको। अब बच्चे बोलते हैं, मैम हम लोग जो गिनती है कार्बन के जो नंबर से वो इस तरफ से दे या मैम इस तरफ से दे, ये समझ नहीं आता। तो पहला चीज हमेशा देखो, प्रकार्यात्मक समूह किधर जुड़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में यहाँ पे प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो मैं हमेशा कार्बन की संख्या इधर से गिनोगी, ठीक है। और दूसरी चीज हमको देखनी है, शाखा कहाँ से निकली है। तो पहली चीज, OH समूह कहाँ जुड़ा है या कोई भी। OH क्या है बच्चा आपके पास में, मैं समझाऊंगी इसको आगे। इसे कहते हैं हम लोग प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। ये आपके पास में प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है, ठीक है, या इसको आप लोग क्रियात्मक समूह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया, यहाँ पे आपकी शाखा होगी। तो पहली चीज, हमें हमेशा नंबरिंग वहां से करनी है जहां पे कोई प्रकार्यात्मक समूह हो या जहां से सबसे पहले शाखा ओपन होती है, खुलती है। ये वाला आप लोग देख सकते हो, यहां से नंबरिंग की गई है क्योंकि शाखा यहाँ पे चौथे कार्बन पे खुल रही है, जबकि यहाँ पे दूसरे कार्बन पर खुल रही है। कहने का मतलब, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे जवाब दीजिएगा, मेरे पास में ये कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, मेरे पास में ये लंबी सी कार्बन की श्रृंखला है और मैंने कहीं पे यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक शाखा खोल दी है या यहाँ पर मैंने क्रियात्मक समूह आपके पास में COOH जोड़ दिया है।
आपका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इधर में नंबरिंग हम लोग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से या उस तरफ से। फटाफट से बताओ किधर से करोगे। तो हमारा रूल कहता है हमें हमेशा नंबरिंग वहां से करनी है जहां से कोई क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक पड़े, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे पास में शाखा भी हमें वही चूज करनी है जिसमें सबसे बड़ा प्रकारात्मक समूह पड़े। तो हमारे पास में जो शाखा होगी वो ये वाली शाखा आप लोग चयन करोगे। यस, क्यों? क्योंकि हमें हमेशा क्रियात्मक समूह को साथ में लेना ही लेना है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हुई चीज है, गुड। समझाती हूँ, इसका नामकरण भी मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है। चलो अभी अभी इतना समझ लो कि हमारे पास में ये वाला सही है और वो वाला एग्जाम्पल गलत है। तो प्रकारात्मक समूह क्या होते हैं, तो आपको सिर्फ याद रखना है आपके ये चार प्रकारात्मक समूह सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चार। और आपको ध्यान रखना है कि इन चारों प्रकारात्मक समूह के साथ साथ आपके एल्काइन और एल्किन्स भी प्रकारात्मक समूह के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए, तो मैं कहां पर थी, यहां पर। आपको पता है एल्कोहल मतलब की OH, एल्डिहाइड मतलब की CHO, कीटोन मतलब की सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब की COOH। आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो चीज़ें हैं थोड़ी सी और क्लियर रहे, क्योंकि मुझे पता है बेटा आप लोग ना कंफ्यूज जरूर होंगे, और नो डाउट इन दैट मैं समझाती हूँ करना क्या है। सबसे पहला चीज़ है आपको प्रकारात्मक समूह याद रखना है COOH, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकारात्मक समूह कहलाता है COOH। और याद रखिएगा जब भी हम लोग प्रकारात्मक समूह के साथ में कुछ ऐड अप कर देते हैं तो इसका जो IUPAC नामकरण में, याद रखिए अंत में हमेशा जुड़ता है, इसका जो IUPAC नामकरण का जो अनुलग्न है, तो इसका अनुलग्न, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलग्न बोलते हैं। और ये अनुलग्न हमेशा कहाँ जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं, नाम के मुख्य श्रृंखला के नाम के अंत में जुड़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंत में हमेशा क्या जुड़ेगा, OIC अम्ल जुड़ेगा। ये आपको याद करना है बेटा। अब जो याद करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है। इसके बाद जो अनादर चीज मुझे समझानी है, दूसरा आपके पास में होता है CHO मूलक। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड कहते हैं इससे हम लोग, ठीक है, एल्डिहाइड कहा जाता है। एंड एल्डिहाइड को आप किस अंत, अंत में क्या लगाया जाता है, अंत में लगाया जाता है अल, अंग्रेजी में लिखा जाता है AL, यहाँ पर हिंदी में कहीं कहीं अल लिखते हैं, किसी किसी किताब में आपको ये भी दिखेगा। तो अगर मान लो कि कहीं पर आपके पास में एल दिख जाए तो तब भी कंफ्यूज मत होना। फिर हमारे पास में जो अनादर वन है दैट इज आपका कीटोनिक समूह। कीटोनिक समूह होता है सी डबल बॉन्ड ओ, याद रखिएगा सी डबल बॉन्ड ओ, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, जैसा नाम वैसा काम। इसके अंत में क्या जुड़ेगा बेटा, अंत में जुड़ता है आपके पास में ओन, ठीक है, ठीक है। फिर आपके पास में आता है OH, OH आपको पता है एल्कोहल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। एल्कोहल का जो अंत में क्रियात्मक समूह कहलाता है वो है आपके पास में ऑल, सिंपल एंड स्वीट। इसके अलावा आपको पता है जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके एल्कीन कहलाते हैं। एंड एल्कीन्स जो है उनका अंत में क्या आएगा, एल्कीन का अंत आता है बेटा किसके साथ में, ईन के साथ में, बड़ी ईन। एंड फिर होते हैं एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग बोलते हैं एल्काइन, ओके। एंड एल्काइन जो है वो एंड में क्या लिखेंगे, आइन से एंड होते हैं, ठीक है, दैट्स इट। बस आपको इतना याद रखना है, और ये जब आप लोग याद कर लोगे तो इसके साथ में आपको जो एक चीज और याद करनी है वो है कार्बन परमाणुओं की गिनती। बस इतना कर लो, खत्म कहानी। तो ये होती है बेटा मैथ। अगर कहीं पर आपके पास में किसी भी श्रृंखला के अंदर मान लीजिए एक कार्बन है तो आप लोग क्या लिखोगे, मैथ लिखोगे। कहीं पर आपके पास में अगर मान लीजिए दो कार्बन है तो उसको क्या लिखोगे, एथ लिखोगे। कहीं पर तीन कार्बन है तो उसको क्या लिखोगे, आप प्रोप लिखोगे। कहीं पर चार कार्बन है तो आप लोग उसको लिखोगे ब्यूट, ठीक है। और कहीं पर अगर मान लीजिए छह कार्बन, सॉरी आपके पास में चार कार्बन है तो आप लोग ब्यूट लिखोगे, ठीक है। आपके पास में जो पांच कार्बन है, ठीक है, ओके, मैं उधर साइड लिख देती हूँ ताकि आप लोग देख सको। तो जो पांच कार्बन है आपके पास में इसको आप लोग लिखोगे पेंट। पेंट के साथ में जो छह कार्बन है उसको लिखा जाता है हेक्स। जहां पर आपके पास सात कार्बन है उसे लिखोगे आप लोग हेप्ट। जहां पर आठ
कार्बन है उसे लिखोगे आप ओक्ट। वैसे इतना काफी है, परंतु कुछ कुछ किताबों में दिया हुआ है C9 को आप लोग लिखोगे नोन और इसको लिखोगे डेक। ठीक है, दैट्स इट, इतना बस याद कर लो। इतना याद करने के बाद में अब हम लोग करते हैं कुछ नामकरण। चलिए, नामकरण को हमेशा कैसे करना है समझाती हूँ। तो हमें सबसे पहले प्रयोग करना है मूल शब्द। ठीक है, आप लोग ये अंत वाला सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये नामकरण का हमारा मुख्य है। तो हमारे पास में मूल शब्द, मूल शब्द क्या होता है बेटा? श्रृंखला। तो ये आपकी श्रृंखला है, ये कुछ नहीं है, श्रृंखला है। ठीक है, श्रृंखला। श्रृंखला के साथ में हमेशा दो चीजें लगते हैं आपके, दो प्रत्यय प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राथमिक प्रत्यय होता है आपके पास में और दूसरा द्वितीयक प्रत्यय होता है। प्राथमिक प्रत्यय में हमेशा आप लोग श्रृंखला एकल बंध वाली है, द्विबंध वाली है, त्रिबंध वाली है, यह पहचानोगे आप। तो एकल बंध रहा, ठीक है, अगर कहीं पर एकल बंध रहा, मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बंध है पूरी श्रृंखला में, तो आप लोग क्या लगाओगे? एन लगाओगे, इसमें किसी को डाउट? अगर आपके पास में डबल बंध है तो क्या लगेगा आपके पास में? लगेगा बेटा इन लगेगा। ठीक है, एंड कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? आइन लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके प्रथम प्रत्यय हो गए। और फिर आपके पास में प्रकारात्मक समूह का आपको प्रयोग करना है जो कि अनुलग्नक हो गए। ठीक है, तो कार्यात्मक समूह के अनुलग्नक, बस इतना आपका मेन पार्ट है। अगर एक बारी आपको ये समझ में आ गया तो हम यहां से नामकरण प्रारंभ करते हैं। ये बस इतना आपको ध्यान रखना, दैट्स इट, बस इतना ही है जो है। यस बच्चों, इतना ही है जो, ये है आपका 10 मिनट IUPSC। अब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो पहला आपके पास में जो एग्जाम्पल है वो ये है। फटाफट से चूज करिए कि आप लोग शाखा का नाम कहाँ से दोगे। भाई शाखा का नाम हम लोग यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एक प्रकारात्मक समूह, या आप लोग बोल सकते हो कि एक हमें क्या दिख रहा है, इसे बोलता है सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह को आप लोगों को हमेशा आगे लिखना पड़ता है, ये हमेशा आगे लिखे जाते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्व लग्न होते हैं। आप लोग देखो, दो चीजें होती है, एक होती है आपके पास में पूर्व अनुलग्नक, एक होता है बेटा अनुलग्नक। तो पूर्व होते हैं और एक होते हैं अंत में लगने वाले। पूर्व अनुलग्नक में क्लोरीन ब्रोमीन हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपके कोई एल्किल समूह, एल्किल मूलक होते हैं, एल्किल मूलक जैसे कि CH3 इत्यादि। ठीक है, CH3 C2H5 एल्किल मूलक होते हैं। CH3 इसको बोलते हैं मेथिल, C2H5 इसे बोलते हैं एथिल। मेथिल एथिल, यही आपको याद रखना है क्योंकि यही आपके एग्जाम में भी आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसके अलावा क्लोरीन ब्रोमीन। अब नामकरण कैसे करते हैं चलिए समझाती हूँ मैं आपको। तो अब आपके पास में सबसे पहला एग्जाम्पल में हमारे पास जो मूलक है वो कौन सा है? प्रतिस्थापित समूह है। इसके अलावा आपको क्या कोई और दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास में इस पूरी श्रृंखला में दो क्लोरीन है, बाकी हमको कोई प्रकारात्मक समूह दिखा क्या? नहीं। नामकरण कहाँ से करेंगे? नामकरण हमको आप लोग इधर से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नामकरण चालू कर देते हैं। तो चलिए हम लोग यहां से नामकरण स्टार्ट करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, छह कार्बन है। तो छह कार्बन को क्या लिखा जाता है बेटा? हेक्स लिखा जाता है। छह कार्बन मतलब कि हेक्स, ये कार्बन की गिनती है। ये हमारी मूल श्रृंखला का पहला नाम करेंगे। और क्या सब में डबल बंध है, ट्रिपल बंध है, कौन सा बंध है? एकल बंध है। तो हेक्स प्लस क्या आएगा? एन आएगा। हेक्स एन आप लोग जोड़कर लिखेंगे तो ये मूल श्रृंखला या मूल शब्द बन जाएगा आप लोगों का। तो मूल शब्द क्या हो गया आप लोगों का? हेक्स एन। याद रखिएगा, ये हमेशा रफ कॉपी में काम करना है आप लोगों को। दूसरी चीज क्या होगी आप लोगों के सामने? दूसरी चीज रहेगी अब नंबर ऑफ प्रकारात्मक समूह। क्या कोई प्रकारात्मक समूह है? क्या COOH है? नहीं है। क्या OH है? नहीं है। क्या CHO है? नहीं है। कीटोन है? नहीं है। तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब हमको करना है क्या? पूर्व लग्नक। पूर्व लग्नक कौन सा आपके पास में? क्लोरीन। क्लोरीन कितने क्लोरीन भाई? दो क्लोरीन है। याद रखिएगा केमिस्ट्री का रूल, केमिस्ट्री में हमेशा जहां पर एक होता है उसे हम लोग मोनो बोल देते हैं, जहां पर दो होता है उसे हम लोग डाई बोलते हैं, तीन को हम लोग ट्राई बोलते हैं। ठीक है, अब एक ही अनुलग्नक दो बार प्रयोग किया गया है तो हम लोग लिखते हैं डाई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन दो बार होती है, वैसे ही हमको यहाँ पे प्रयोग में लाना है। हेक्सेन मूल शब्द हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पूर्व लग्नक के नाम लिखेंगे। तो पूर्व लग्नक क्या है? क्लोरो। हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरो। कितने क्लोरो है हमारे पास में? दो है। तो दो को क्या लिखेंगे हम लोग? डाइक्लोरो। किस नंबर पे है? किस कार्बन के नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, द्वितीय कार्बन के नंबर पे। हमको ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन से कार्बन के नंबर पे जुड़ा है क्लोरीन। तो बता दो किस पे जुड़ा है बेटा? सेकेंड नंबर पे। तो टू
टू दो बार है तो टू टू डाइक्लोरोहेक्सेन, इसका नाम हो गया। अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, इसमें बताइए फटाफट से नामकरण किधर से करोगे, इस तरफ से, इस तरफ से, इस वाले में आप लोग इधर से कर लीजिए या इधर से कर लीजिए। ये एल्किल समूह हमेशा बीच में आएगा। एल्किल समूह क्या होता है, ये बेटा आपके पास में कहलाता है मेथिल, ठीक है। नाम कैसा लिखोगे, पांच कार्बन, पांच कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मूल शब्द पेंट लिखा जाएगा। पेंट के अंत में क्या हमको देखना है, कोई एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है या कोई प्रकारात्मक समूह। तो हमने कोई प्रकारात्मक समूह देखा क्या, कोई प्रकारात्मक समूह नहीं है, बस क्या दिख रहा है हम लोगों को, हमारे पास में कोई अनुलग्नक नहीं है। तो अनुलग्नक नहीं है तो भाई इसको छोड़ दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। पेंट के साथ में क्या आ जाएगा, एन आएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे पेंटेन, ठीक है। तो इसको मैं रफ में करती हूँ, हमेशा याद रखिएगा मूल शब्द और जितना भी IUPAC नामकरण है रफ कार्य में करोगे और जो असली नाम है उसको बाद में लिखोगे। तो इसको क्या लिखोगे आप लोग, पेन टेन, ठीक है। तो पेंटेन आपके पास में मूल शब्द बन गया। अब यहाँ पे लिखना है आपका कार्बन की संख्या और उस पे जो भी अनुलग्नक जुड़ा है वो। अनुलग्नक क्या है हमारे पास में, मेथिल समूह। तो मेथिल हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कि मेथिल जुड़ा है हमारे पास में, किस नंबर पे जुड़ा है, तीसरे नंबर पे जुड़ा है। तो थ्री मेथिल पेंटेन, क्या लिखोगे इसको, थ्री मेथिल पेंटेन, हो गया। तो कितना आसान नाम है, थ्री मेथिल पेंटेन, गुड। अगला, अब आपका काम है मुझे इनके नामकरण करके बताना। मैं आपको ये वाला नामकरण समझा देती हूँ, लेकिन ये वाले मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में समझाएंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, इधर नामकरण किधर से करना है, जहां प्रकारात्मक समूह, कहाँ पर है बाबा, यहाँ पर है। तो प्रकारात्मक समूह कोने में है हमारा, ठीक है। तो हम लोग इसको नामकरण करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम लोगों ने कहां से, इधर से नामकरण किया। चार कार्बन, तो क्या लिखोगे बेटा, चार कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट प्रयोग में लाते हैं। सब में एकल बंध है, कहीं द्विबंध है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन, डायरेक्टली लिख रही हूँ बेटा इसको मैं अब, ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन मैंने लिख दिया है। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग अनुलग्नक ढूंढेंगे प्रकारात्मक समूह का। कौन सा होगा बेटा, COOH, क्या होता है COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल। अभी बताया था ना आप लोगों को, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो ये देखो, ओइक अम्ल, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे इसको अंत में, ओइक अम्ल। तो ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। हिंदी सबने पढ़ी है ना, कि हम लोगों ने क्या किया, ओइक को जोड़ दिया। तो ब्यूटेनोइक अम्ल हमारी मुख्य शब्द है। ये हमारे पास में क्या मिल गया हमको, मूल शब्द और अनुलग्न हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्व लग्नक का नाम निकालेंगे। तो पूर्व लग्नक में कौन है भाई, तो पूर्व लग्नक हमारे पास में एक ही दिख रहा है और वो है आपका मेथिल, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, किस संख्या पे है भाई, दूसरी संख्या पे है। तो हम इसको लिख देंगे भाई, इसको लिखा जाएगा हम लोग 2-methylbutanoic अम्ल, ठीक है। बस अब यहां पर देखो, यहां पर अल्कोहल समूह है और यहां पर डबल बंद है। तो सोच समझ कर लिखना है यहाँ पे क्या। मैं इसको हिंट दे देती हूँ कि आप लोग यहाँ पे लिखोगे कार्बन की संख्या, जो कि लगभग आप लोग यहीं से लोगे, और आपके पास में एक नहीं दो दो अल्कोहल समूह है। तो ध्यान से इसका नामकरण करना है आप लोगों को। किधर से नामकरण करोगे, ऑफकोर्स यहीं से करोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपके पास में पांच आप लोगों ने नाम दे दिए है। अब आप लोग क्या करोगे, नामकरण चालू करोगे इसका, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस वाले में। तो अगेन इसका भी नाम मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में समझाएंगे, ठीक है। दैट्स इट बच्चों, तो ये था IUPAC नामकरण। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, और भी प्रैक्टिस करना है तो जस्ट टेल मी, हम लोग इसके जो भी आपके आने वाले सेशंस हैं उसमें IUPAC नामकरण की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।